नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शराबबंदी के 5 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी बिहार में शराब बिकना बंद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लगातार शराब की तस्करी बिहार में होती रही है और शराब पकड़ाते रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। जी हम आपको बता दें कि अब बिहार सरकार ने शराब माफियों को पकड़ने के लिए और शराब बिक्री पे शिकंजा कसने के लिए एक ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने जिस भी घर से अब शराब पकड़ाएंगे उसी घर में थाना खोला जाएगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत बिहार से हो गई है। आइए हम आपको पूरी खबर की जानकारी देते हैं। अब सूबे में जिस मकान में शराब की खेप पकड़ी जाएगी उस मकान को पुलिस थाने में तब्दील कर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। राजधानी पटना में कुछ ही दिनों पहले ऐसा किया गया है। एक गोदाम से बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उस गोदाम में बाईपास थाना खोल दिया गया। सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। विधानसभा में भी शराबबंदी का मामला लगातार गूंज रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले पर लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपने कड़े इरादों का उदाहरण पेश कर इसका बचाव कर रही है। सरकार की ओर से मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को सदन में कहा है कि गोपालगंज शराब कांड में हुई फांसी की सजा इस काले धंधे में लिप्त शराब कारोबारियों के लिए एक कड़ा संदेश है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए 185 पुलिस कर्मियों व 8 उत्पाद कर्मियों को बर्खास्त किया गया है, जो केवल बिहार में ही आज तक हुआ है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी केवल एक्ट ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से शराबबंदी की गई थी उसके बाद भी शराब की तस्करी हो रही है, जिसको लेकर के सदन में भी लगातार आवाज़ उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद शराब की तस्करी बिहार में की जा रही है और बड़े खेप में शराब पकड़ा रहे हैं। इसको लेकर के सत्ता पक्ष ने भी एक कड़े कदम उठाए हैं और साफ तौर से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए इस नियम की शुरुआत की है। और आपको बता दें कि पटना में एक गोदाम में जहां भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए थे, वहां पर थाना में उस गोदाम को बदल दिया गया है और सरकार यानी नीतीश कुमार अब विपक्ष को इस तरीके से शराबबंदी के बाद विपक्ष को करारा जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।